दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। थाना चार के बाहर भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के राष्ट्रीय संचालक एवं शिरोमणि अकाली दल एससी विंग के राष्ट्रीय उप प्रधान सुभाष सौंधी के भाई धर्मेंद्र सौंधी और उसके दोस्त साहिल अरोड़ा पर हमला करने वाले आरोपी करण दत्ता के प्रयास व आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने FIR के चार अज्ञात लोगों को भी शामिल किया है। वहीं सुभाष सौंधी ने इस मामले में पुलिस को सूचित किया था कि हमला करने वाले फरार युवक बिनगा स्थित अस्पताल में एडमिट है, जिसके बाद थाना चार की पुलिस ने उक्त स्थान पर रेड की, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही सभी आरोपी फरार हो गए। इसके बाद भावाधस के राष्ट्रीय संचालक सुभाष सौंधी ने अपने साथियों सहित पुलिस कमिश्नर के समक्ष पेश होकर एक मांग पत्र सौंपा, जिसमें सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। चाल नंबर थाने से बाहर जानलेवा हमला होया सी। मेरा छोटा भरा त्रविंदर सौंधी, कल असी SHO साहब नूं दस्या सी कि 8 बजे बिलगां थाने 3 दोषी जिन्हां दा सट्टा मार के उत्थे गलत उन्हें सट्टा मारियां अपने ला सट्टा ला के दाखिल हो गए और SHO साहब नूं असी सवेर दा 8 बजे दा सुनेहा पहुँचाया पिया और 5:30 बजे वह गए आ जानी देर तक वह दोषी तिने ही उतों दौड़ गए। असी इस करके अज पुलिस कमिश्नर डेयर साहब नूं अज मिले, अज उन्हें सानूं विश्वास दवाया कि जल्दी तो जल्दी जिहड़े दोषी आ उन्हां नूं फड़िया जाऊगा और उन्हां ते कार्रवाई की जाएगी।